प्रिय बेटा मनोज, आशा है तुम सब अच्छे हो। बहुत दिनों से तुम सबकी याद आ रही है, मिलने की इच्छा हो रही है। डॉक्टर मुझे डराता रहता है कि फेफड़े का, लेकिन तू चिंता मत कर, अब जीवन के 2-4 दिन ही बचे हैं, बच्चों के साथ कुछ दिन गुजार लूं बस यही इच्छा है। तुम्हारी माँ। आप यूं ही चिट्ठियां लिखवा करके भेजती रहती हैं, आपका बेटा जवाब तो देता नहीं। मम्मी, हम दादी को मुंबई क्यों नहीं ले आते? क्योंकि मुंबई में जगह नहीं है, इसलिए दादी को तो बस बंबई आने का बहाना चाहिए। ये तो बहुत सीरियस बीमारी है, इसे जान भी जा सकती है। पापा। बेटा अभी नहीं, अभी बिजी हूँ। हमको ही दादी को यहाँ लाना पड़ेगा। तुझे तो इतना भी नहीं पता कि गोवा किधर है। वास्को डी गामा को पता था कि गोवा किधर है, फिर भी वो पहुँच गया था ना। मुंबई से यहाँ, यहाँ से यहाँ और गोवा पहुँच गए, बस इतनी तो दूर जाना है। नहीं नहीं, मुझे तो डर लग रहा है। तू दादी को मरने देगा? भाई साहब, आप दिखाइए टिकट। मैंने क्या किया? आलसी, जल्दी उठ जाता तो टिकट ले सकते थे। सर, मेरे बच्चे गायब हैं। भैया, मुंबई में तारे क्यों नहीं दिखते? दादी के घर का एड्रेस और पैसे तो टेम्पो में रह गए। आपको मालूम है गोवा किधर है? बच्चों, तुम कहीं घर से भागे तो नहीं हुए? आप हमको गोवा छोड़ दो, हम आपको पैसे दे देंगे। तुम लोग को तो मैं पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ फ्री में। दादी कब आएगी?